अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस के बड़े एक्शन को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां पंजाब की सड़क पर अब उतरा है बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमृतपाल को पकड़ने के लिए ही क्या यह बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर उतारा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यहां सड़क पर जिस तरीके से यह बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर नजर आ रहा है, 33 साल पहले खालिस्तानियों के खिलाफ कारगर साबित हुआ था यह ट्रैक्टर, लेकिन आज पंजाब की सड़कों पर जिस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की तस्वीर आपने देखी है, उसकी खासियत भी जरा यहां पर जान लीजिए, क्योंकि इस ट्रैक्टर में 6 लोगों के बैठने की जगह है। हालांकि इस बारे में और भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और बारूदी सुरंग के फटने से भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि ट्रैक्टर के आगे और पीछे कैमराज भी हैं और बिना मोड़े ही पोजिशन चेंज करके ये जवाबी फायर भी कर सकता है। हालांकि फायरिंग के लिए ट्रैक्टर में खास होल है और जरूरत पड़ने पर छत को खोलकर भी इसमें फायरिंग संभव है। कीचड़, जंगल, खेत और रेगिस्तानी रास्तों पर भी ये कारगर साबित होता है। लेकिन इस बीच क्या हालात बने हुए हैं कि अब पंजाब की सड़कों पर ये नजर आ रहा है? हालांकि खालिस्तानियों के खिलाफ मजबूत हथियार को लेकर जिस तरीके की ये बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें 1990 में ही बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का निर्माण किया गया था और खालिस्तानियों के खिलाफ आसानी से किस तरीके से इसका ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ था उसको लेकर भी बड़ी खबरें हैं। खालिस्तानियों के खिलाफ AK-47 से भी ज्यादा कारगर बताया जाता है ये, और पुलिस कर्मियों की जान की सुरक्षा में भी मददगार साबित होता है। हालांकि पुलिस इतिहास में सबसे बड़ा और सफल प्रयास इसे ही माना गया था। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बताई, क्योंकि जो अभी हालात बने हुए हैं उसके तहत पुलिस की तरफ से कड़े एक्शन की तैयारी है। हालांकि अमृतपाल फरार है, पुलिस ने 33 साल पुराना ये हथियार अब उतार दिया है। आखिर 33 साल बाद क्यों इसकी जरूरत पड़ी, यही सबसे बड़ा सवाल। क्या पंजाब में हालत बेहद खराब हो रहे हैं? हालात से निपटने के लिए ही क्या ये पंजाब पुलिस की तैयारियां हैं? इसी को लेकर कई बड़े सवाल बने हुए हैं।